कार्बी युवा महोत्सव में उपस्थित आसाम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, कार्बी यंगलंग ऑटोनोमस काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री तुलीराम रंगहंग जी, डेप्यूटी स्पीकर डॉक्टर नुमल मोमिन जी, कार्बी किंग श्री लॉन्ग सिंह रोंगहांग जी, श्री चंद्र सिंह क्रोजी प्रेसिडेंट कार्बी कल्चरल सोसाइटी जन प्रतिनिधिगण, कार्बी कल्चरल सोसाइटी के पदाधिकारीगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजन, नमस्कार करदम। मैं आप सभी को कार्बी यूथ फेस्टिवल के स्वर्ण जयंती महोत्सव की हार्दिक बधाई देती हूँ। जो मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे इस आयोजन के आने का आमंत्रण दिया तो मुझे सहज ही महसूस हुआ कि ये युवा महोत्सव अत्यंत महत्वपूर्ण है और मुझे इस समारोह में भाग लेना ही है। आज मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे नहीं मिल पा रही हूँ, लेकिन मुझे वर्चुअल माध्यम से आपसे जुड़ने का अवसर मिला है। वर्ष 1974 में प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा ये युवा महोत्सव अब आसाम ही नहीं बल्कि पूरे देश का कल्चरल कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण आयोजन के रूप में अपना स्थान बना चुका है। मेरा विचार में कार्बी अंगलंग का ये युवा महोत्सव एक प्रकार से भारत के स्वर्णिम भविष्य का महोत्सव भी है। इस युवा महोत्सव को आयोजन करने के लिए मैं आसाम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल तथा असम राज्य सरकार और कार्बी आंगलोंग जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करती हूँ। विलुप्त हो रही जनजातियों कलाओं तथा परंपराओं के संरक्षण के लिए कार्बी कल्चरल सोसाइटी की गतिविधियों की भी मैं प्रशंसा करती हूँ। ये युवा महोत्सव कार्बी जनजातियों समुदाय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के साथ साथ अन्य समुदायों के साथ मिलजुल कर विविधता का उत्सव मनाने का भी अवसर है। अतीत की दुखद स्मृतियों से मुक्त होकर उत्साह एवं ऊर्जा के साथ प्रगति पथ पर आगे बढ़ने में इस युवा महोत्सव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुझे बताया गया है कि ये युवा महोत्सव पूर्वोत्तर क्षेत्र का अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस महोत्सव में नृत्य संगीत, खान पान, खेल कूद, कला और शिल्प तथा परिधानों की शोभा का सुंदर प्रदर्शन तो होता ही है। यहाँ साहित्यिक गतिविधियों तथा सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन भी होता है। इस प्रकार इस महोत्सव द्वारा यहाँ के लोगों विशेषकर युवा वर्ग में निहित प्रतिभा को बहुआयामी एवं कलात्मक अभिव्यक्ति मिलती है। मुझे बताया गया है कि इस महोत्सव में परंपरा और आधुनिकता का सुविचारित समावेश किया जाता है। यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि लगभग 5000 युवा प्रतिभाओं ने इस महोत्सव में आयोजित प्रतिस्पर्धाओं और कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। मुझे विश्वास है कि यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित युवक और युवतियाँ और आसपास के क्षेत्र के सभी युवा अपनी प्रतिभा और परिश्रम से आसाम राज्यों की पूर्वोत्तर क्षेत्र की और पूरे देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान देंगे। देवियों और स्वजनों, जनजातीय अस्मिता कितनी महत्वपूर्ण होती है ये स्वयं मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। इस प्रकार के उत्सव जनजातीय अस्मिता को प्रदर्शित भी करते हैं और उसे मजबूती भी बनाते हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी जनजातियों बेटे बेटियों को विशेष बधाई और आशीर्वाद देती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि जब युवा पीढ़ी सही दिशा में सही सोच के साथ आगे बढ़ती है तो अब समग्र विकास तेजी से होता है। ये बहुत खुशी की बात है कि इस क्षेत्र के युवा शांतिपूर्ण तरीके से विकास की मुख्य धारा को अपना योगदान देने के लिए तत्पर है।
तथा सक्रिय है। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित हमारे राष्ट्र निर्माता और संविधान निर्माता वैश्विक दृष्टिकोण और परंपरागत भारतीय जीवन मूल्यों के समन्वय को प्रोत्साहित करते थे। वे चाहते थे कि हमारे युवा विश्व की आधुनिक उपलब्धियों के आयामों को अपनाएं। साथ ही वे इस बात को लेकर भी सचेत थे कि हम विदेशी प्रभाव तथा आधुनिकता के दबाव में भारतीय संस्कृति और अपने शाश्वत जीवंत मूल्यों को भी मजबूती के साथ अपनाए रखें। आधुनिक विकास के साथ साथ स्थानीय जनजातियों पहचान को बनाए रखने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर क्षेत्रों के असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ जनजातियों इलाकों के लिए संविधान के भाग 10 और 6 अनुसूची में विशेष प्रावधान समाहित किए गए हैं तथा स्वशासन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस प्रावधान के लिए सभी देशवासी लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई तथा बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सदैव कृतज्ञ रहेंगे। कार्बी लोक संगीत के दिव्य गुरु रंगसिन सार्पो, कार्बी समुदाय के महानायक थोंग नोकबे तथा कार्बी समुदाय के जन जन के हृदय में बसे कचिर रोंगहांगपी की मूर्तियां इस परिसर में स्थापित की गई है। ऐसी विभूतियों का सम्मान करके आप सब अपने परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि कार्बी आंगलोंग सहित असम के सभी अनुसूचित क्षेत्र में राज्य सरकार तथा ऑटोनोमस काउंसिल समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर पूरे तालमेल के साथ काम कर रही है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत निरंतर कार्य किया जा रहा है। देवियों और स्वजनों, मुझे विश्वास है कि ये कार्बी युवा महोत्सव निरंतर और अधिक प्रभावी तथा लोकप्रिय होता जाएगा। ये महोत्सव भारत के प्रमुख लोक उत्सव के रूप में और भी बड़े पैमाने पर लोगों को आकर्षित करेगा। कार्बी आंगलोंग और पूरे असम सहित समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र की ऊर्जा के प्रभावशाली उदाहरण के रूप में से इस महोत्सव की प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ती रहेगी। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।